किसान अगर खेती करना छोड़ दे, किसान काम करना छोड़ते तो कलेक्टर के रसोई घर से लेकर के प्रधानमंत्री रसोई घर बंद हो जाएगा। वो अपनी बात रखने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा है तो बहुत शर्म की बात है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO पर और यहाँ पे हम आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा देते हैं जो किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन 2.0 के रूप में जो किसानों ने नारा दिया है कि दिल्ली चलो, हम सीधा दिल्ली का घेराव करने निकल चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरीके से जो है बैरिगेटिंग हर तरीके से की गई है और यहाँ पे जो है पूरा जाम लगते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे चीज़ें सब रखी हुई हैं, उधर चीज़ें जो है पुलिस की बैरिगेटिंग तक हो गई है। यहाँ पे हम आपको चीज़ें दिखा सकते हैं किस तरीके से बैरिगेटिंग कर दी गई है और वहाँ पे तंबू भी लगा हुआ है पुलिस वालों के लिए कि वहीं पे अगर उनका रुकने का इंतजाम होगा तो वहीं होगा। यहाँ पे आप कंटेनर वगैरह सब देख पा रहे होंगे और जो जिसकी वजह से ये लोग जाम लग रहा है वो है किसानों की वजह से। ये लोग पूरी बैरिगेटिंग की गई है, सरकार के द्वारा ये बैरिगेटिंग कराई गई है और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना जाम लग रहा है। यहाँ पे जो है जो बस में चलने वाले यात्री हैं, आप सोचिए जो बस से सफ़र करने वाले यात्री हैं, मेट्रो से सफ़र नहीं करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं कामकाज के लिए ऑफिस जाते हैं, उसके बाद जो है उसके जो उनको तकलीफ़ हो रही होगी कि टाइम में नहीं पहुंच पा रहे होंगे क्योंकि जो है बैरिगेटिंग की वजह से यहाँ पर जाम लगने की स्थिति जो है बन चुकी है। और बहुत ही दुखद बात है कि जो किसान आंदोलन है, उनको किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है क्योंकि बैरिगेटिंग करके उनके जो रास्ते में कीले बिछाई जा रही है और तमाम चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे कि नज़र रही है। लेकिन उसके बाद बैरिगेटिंग के जरिए से जो आम लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है यहाँ पे, और जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो गाड़ी या बस से सफर करने वाले लोग हैं, जो मेट्रो से सफर नहीं करते, उन लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद सवाल यही उठता है कि किसानों के लिए इतनी बैरिगेटिंग क्यों, जो कीले बिछाई जा रही है वो क्यों बिछाई जा रही है, क्योंकि जो किसान जो है वो आम नागरिक ही है। आम नागरिक होने के नाते किसान जो है अपने हक की लड़ाई के लिए गाँव से दिल्ली आ रहे थे, उसके बाद इस तरीके की बैरिगेटिंग करना और पूरे उन पे जो है आंसू के गोले ऐसे क्या था वो आंसू गैस के गोले हाँ आंसू गैस के गोले फेंकना ड्रोन द्वारा। हम आपने आपको दिखाया था, तस्वीरें आपको दिखा देंगे। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है किसानों के लिए इतनी जो बैरिगेटिंग है क्यों करी जा रही है? सोशल वर्कर हूँ, हम एक किसान परिवार से आते हैं। दुनिया में बहुत संस्थाएं हैं लेकिन किसान की यूनियन नहीं है और किसान भाइयों को अन्नदाता कहा जाता है। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, इनमें यूनियन नहीं है और इनको हर दल प्रशासन हर तबके के लोग इनको पेरते हैं। और देहात में एक बुजुर्ग ने कहा था, किसान वह चीज ग्रास में है जिसको दूबी के घास कहते हैं। कुछ घोड़े आते हैं चर जाते हैं, कुछ गाय आते हैं चर जाते हैं, जब वो पनपते हैं तो चर जाते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं। और किसान इतना पीछे है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का बहुत कारण है, लेकिन दो कारण मुझे याद है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जब वृष्टि अधिक हो जाती है तो किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, जब वर्षा का अभाव हो जाता है, अकाल पड़ जाता है तो फसल नष्ट हो जाता है। किसान उस परिस्थिति में क्या करेंगे? और मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से हम अनुनय करना चाहते हैं कि किसान के चुनाव से पहले कुछ सोचे, किसान को कुछ राहत। जिस तरीके से बैरिगेटिंग दिख रही है और तमाम जो कीले, यहाँ तक कि कीले तक वहाँ पे बिछा दी गई हैं, लग नहीं रहा है कि सरकार उनके जो हक है वो उसको मानने के मूड में है। मुझे तो वही लग रहा है, जो मांग है उस सरकार वहाँ तक अब दे पाती कि नहीं दे पाती है। लेकिन मैं अपना विचार देता हूँ, किसान को मिलना चाहिए। किसान अगर खेती करना छोड़ दे, किसान काम करना छोड़ते तो कलेक्टर के रसोई घर से लेकर के प्रधानमंत्री रसोई घर बंद हो जाएगा। अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि मरता है, लोग घर से अक्षत लेके जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं, वो किसान से बना हुआ अन्न का ही होता है। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकार को किसान के माओं को देना चाहिए, सुनना चाहिए कहाँ समस्या है, कहाँ दिक्कत है। मैं तो यह कहता हूँ,
कि हर वर्ग में हर कर्मचारी को महीना मिलता है, पैसा मिलता है, और चार सालों से या तीन सालों से या जब से मोदी जी हैं 2000 का 2 ही रुपया मिलता है। क्या इसमें बढ़ोतरी नहीं चाहिए? क्या वृद्धन पेंशन नहीं चाहिए? एक और बात की मुझे दिक्कत है, अधिकांश किसान लोग, बुजुर्ग लोग को रेलवे स्टेशन से जो सीनियर सिटीजन मिलता था, सीनियर सिटीजन में कुछ छूट मिलता तो बंद हो गया। सरकार ये क्यों कहती है हमने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करा है, हम किसानों के लिए समर्पित सरकार है, हमसे ज्यादा काम किसी सरकार ने करा ही नहीं है? किसी सरकार ने नहीं किया, ये बात सत्य है। कह के करके दिखा देना चाहिए, कहना करना में तो अंतर है। तो इस बार अब 2024 में दोबारा जिताइए और उसे सरकार को लाइए, करके दिखाएंगे वो। तो सरकार से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, वो किसान के जो केसीसी लोन है उस पर थोड़ा विचार किया जाए। अतिवृष्टि अनावृष्टि से लोग डूब जाता है, मर जाता है, तो हर क्षेत्र में तो बढ़ोतरी पैसा है, बढ़ोतरी पैसा का सालाना या 2 साल 3 बढ़ोतरी है, इनको क्या बढ़ोतरी है? वो राम मंदिर में व्यस्त हो गए थे इसलिए उसके बाद अब किसानों पर भी विचार करा जाएगा। आप धैर्य रखिए ना, सीधा आप दिल्ली घेरने आ रहे हैं, एकदम भारी संख्या में लोग लेके आ रहे हैं। माननीय मोदी जी बहुत काम किए हैं, मैं उनका सराहना भी करता हूँ, बहुत क्षेत्र में काम किए हैं, ऐसे नहीं है। किसान पर थोड़ा ध्यान दे, और मैं ही कहना चाहूँगा अंत में, किसान बहुत प्रीत है, अन्नदाता है, सबको खिलाता है और परेशान है, तो एक किसान का जो 1 लाख रुपया केसीसी लोन उतना तक माफ कर दे। तौर पर लोग कह रहे हैं कि अन्नदाता है, किसान है, खेती करता है, खाना दिलाता है, और वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी किस तरीके की बैरिगेटिंग कर गई है। ये आईटीओ के दूसरी साइड हम आ गए हैं, उसी के साइड का पूरा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, उसे मलबा भर के यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वही सवाल है किसके लिए ये रखा हुआ है, कि किसानों के लिए, कि किसान सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने आ रहे हैं, और यहाँ पे इसमें जो ट्रक के अंदर मलबा भर के रख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम दिखाते हैं उधर बैरिगेटिंग करी गई है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी कई सारे ट्रक और पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, बैरिगेटिंग तक हो गई है। लेकिन इसकी जो परेशानी है वो जो है आम जो लोग हैं उनको भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि जो इन बैरिगेटिंग की वजह से जो है आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन है वो तक जो है कोई कोई मेट्रो स्टेशन बंद तक कर दिए गए हैं। वहीं तमाम चीज़ें ये भी नज़र आ रही हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो यहाँ पे प्रतिक्रियाएँ लेने आ रहे हैं, लेकिन उन मीडिया वालों से ये भी कहा जा रहा है, इसका पूरा जो भांडाफोड़ा किया जा रहा है वो किसानों पर किया जा रहा है कि ये सब किसानों की वजह से हो रहा है, अगर किसान नहीं आते तो ये बैरिगेटिंग नहीं की जाती। और यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, सर क्या कहेंगे, ये पूरी बैरिगेटिंग क्यों, मतलब किसान सिर्फ हक मांगने आ रहे, आतंकवादी नहीं है? देखिए कभी कभी क्या होता है, किसानों के पीछे अनेक ऐसे संगठन जो अपनी मन की हड़ास निकालने के लिए एक मतलब ये देखते हैं कि कुछ हमें ऐसी चीज़ मिले जिससे हम अपना कार्य पूरा करें, तो कभी कभी क्या होता है ऐसे उसमें कोई ऐसी अराजकता ना हो जिससे किसानों को भी हानि हो और सरकार को भी हानि हो, इस देश को भी हानि हो। ऐसे मुद्दे को देखते हुए ये इतनी बैरिगेटिंग और पुलिस ने अपने हिसाब से जो उचित लग रहा हो सुरक्षा को करा जा रहा है। लेकिन मतलब ये इतनी सुरक्षा क्यों, इतनी बैरिगेटिंग, किसान तो सिर्फ अपनी मुख्य मांगे लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से शंभू बॉर्डर पे उनके ऊपर आंसू के गोले बरसाए जा रहे हैं, मतलब इस तरीके की बर्बरता की जा रही है पुलिस के द्वारा। देखिए अब से पहले भी 20 में जब किसान आए थे काफ़ी मतलब एक ऐसा लगा था कि जैसे आंदोलन तो था जो ठीक है अपनी उनका मूल अधिकार मांगा, पर अनेक पुलिसकर्मी और अनेक जगह ऐसी स्थिति बनी थी कि बहुत भयानक स्थिति हो गई, पैदा हो गई थी, तो उसको देखते मद्देनजर रखते हैं और कोई दूसरी मतलब दूसरी कोई अराजक संगठन अपनी मनसा को नहीं उसको देखते हुए ये सब सुरक्षा व्यवस्था करी जाती है। बाकी इस सरकार को बहुत ये मतलब इस विकासशील भारत देश में रहते हुए किसान मतलब पूरे देश का बेस जो है किसान, तो उसको अपनी बात रखने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा है तो बहुत शर्म की बात है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐप पोर्टल या फिर कुछ ऐसी कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए भाई, जो किसान है वो अपनी बात कम से कम पूरी तरीके से सरकार के सामने रख पाए। लेकिन जिस तरीके से जो सरकार जो है उनको रोक रही है, आंदोलन तक करने नहीं दे रही है, मार्च तक निकालने नहीं दे रही है, तो लेकिन सरकार मूड में नहीं लग रही कि उनको MSP देगी और तमाम चीज़ें देगी। देखिए सरकार को जो पहली बात तो ये किसानों को मतलब अपना मतलब ये जो भी कर रहे हैं उनका पूरा अधिकार है, प्रदर्शन करना है, सरकार से अपनी मांगना पूरा अधिकार है, बाकी जो भी उचित MSP बंद करना हो या और भी कोई कानून हो, कोई ऐसा कानून लाया जाए किसानों के भविष्य को देखते हुए और किसानों की प्रेजेंट इकोनॉमी को भी देखते हुए, कि बाकी में जो इकोनॉमी को बढ़ाए और उनके भविष्य को देखते हुए भी बढ़ाए, तो ऐसा कोई सरकार द्वारा कानून लाया जाए, बाकी जो किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी
जो सरकार के खिलाफ अपनी मांग रख रहे हैं उनका पूरा अधिकार है, उनका करने देना चाहिए सरकार। तो हमने लोगों से यहाँ पे राय जानी है, लोगों का यही कहना है कि उनका पूरा अधिकार है, कोई उनको प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से किसान का पहले वाला आंदोलन था, हम आपको पहले आंदोलन के बारे में याद दिला देते, किस तरीके से इधर ही ITO पर जो है एक जो ट्रक जो है बैरिगेट से टकरा गया था और जो उसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और पहचान उसका जो नाम बताया गया था नवनीत सिंह उसका पहचान बताई गई थी, लेकिन जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ये बताया था कि वो जो है पुलिस ने उसको गोली मार दी थी, उसके बाद उसका संतुलन बिगड़ा और बैरिगेट से टकरा गया और उसके बाद उसकी मौत हुई है। उसके ऊपर एक और चीज़ नज़र आई थी, तमाम जो दूसरे लोग बोल रहे थे कि जो किसान था वो ट्रक से स्टंट दिखा रहा था तभी जाके उन पे जो पुलिस वाले थे उसने गोली चलाई थी, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी ने दूसरी तरफ चीज़ें बताई हैं, उसके बाद तमाम चीज़ें और भी इसमें नज़र आ रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? इतने किसान के दर्द को, जहाँ राम मंदिर बना है, उनका ससुराल सीतामढ़ी है, उनके ससुर के नाम जनक जी थे, जब अकाल पड़ा था कि शाम त्राहिमाम त्राहिमान हो गया था जब जनक जी से देखा नहीं गया, राजाओं ने ऋषि मुनियों ने बताया कि राजा जब अपने हल पकड़ेंगे तो वर्षा होगी, उन्होंने जनकपुर से हर जोते जोते सीतामढ़ी आए और उनके पराक्रम से उनके सौभाग्य से वर्षा हुई और किसान के दुख दूर हुई। तो किसी भी देश के आर्थिक मजबूती के किसान तंत्र जरूरी है, किसान मजबूत होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा, किसान भरे पूरे होंगे तो देश हरा पूरा होगा, किसान हरे पूरे होंगे तो हंगामा नहीं होगा। हंगामा वो करता है जब पेट खाली रहता है, चोरी वो करता है जब पेट खाली रहता है, जिसका पेट भरा हो जो सुखी संपन्न क्यों करेगा। तो ऐसा भी धार्मिक दृष्टिकोण से मोदी जी हमारे शास्त्रीय विधि से अगर उनके कुछ करने से धरती शांत हो जाए, किसान के फायदा हो जाए, तो उनको भी करना चाहिए। इसी तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर उनके कुछ करने से किसान शांत हो सकते हैं तो मोदी सरकार को उनकी सुन लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें यही नज़र आ रही हैं कि अब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, क्या ये संविधान के खिलाफ चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि प्रदर्शन करने तक से रोका जा रहा है, ये किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत अगर नहीं होती, अगर किसान आंदोलन जो पहले हुआ था अगर उसमें सुन ली जाती, जो दोबारा ये लोग उतरे हैं अपनी मांगे लेके, और इस बार तो बैरिगेटिंग इस हद तक कर दी गई है कि आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा बैरिगेटिंग करी जा रही है, सीमेंट की बैरिगेटिंग करी जा रही है, कीले बिछाई जा रही है सड़कों पर और गड्ढे तक खोदे जा रहे हैं कि अगर बैरिगेटिंग तोड़ देते हैं तो साइड से भी ना आ पाए। इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि तमाम चीजें तो नजर आ रही हैं, किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, इसमें आपकी क्या राय है, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।